global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि जब मैं पहले गीतू मोहनदास मैम से मिलने गई थी शी सेड कि ये कैरेक्टर बहुत सारे ट्रांजिशंस होंगे इसके पहले ये शी इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज अ मरमेड तो आई मीन कौन सी लड़की नहीं चाहती है टू बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ मरमेड इन अ फिल्म राइट सो दैट हैपन्स एंड देन शी इज़ बेसिकली अ विलेज गर्ल एंड बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट हैपन शी ऑल्सो लेटर बिकम्स अ बार डांसर इन बॉम्बे तो जैसे मैंने ये सब सुना इट वॉज लाइक सच अ चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग रोल विच आई थॉट लाइक आई डेफिनेटली वॉन्ट टू डू सो विच प्रिपरेशन यू हैव गॉन थ्रू एंड हैव यू टेकन एनी वर्कशॉप और समथिंग फॉर योर कैरेक्टर या तो एज पार्ट ऑफ द फिल्म्स ट्रेनिंग हम सब एक्टर्स को वी हैड टू डू अ वर्कशॉप वी हैड सेवरल वर्कशॉप्स एक्चुअली एंड द लास्ट वन वॉज विद अतुल मुंगिया सर या दैट वॉज द मेन ट्रेनिंग And how was your experience working with the director? She was so much experience and she also won a national award. Yeah, I think that was the biggest gift to me to be able to work with Geetu Mohandas because she's a brilliant director, especially ek actor ke liye. I think she really helps to bring out your strengths and weaknesses and helps you work on your weaknesses. So I feel like main bahut behtar ho gayi hu abhi after working with her. So as an actor. आई थिंक आई लर्न टू बी इन द मोमेंट अ लॉट मोर एंड टू सॉर्ट ऑफ लेट गो ऑफ ऑल इनहिबिशंस ऑफ थॉट्स जो आमिना का कैरेक्टर है जो बेसिकली शी इज अ विलेज गर्ल आई जस्ट ओके सो आई जस्ट वेंट टू लक्षदीप वहाँ के लोगों के साथ मिलजुल के आई वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड इन द सन ऑल डे आई डिडंट वेयर एनी मेकअप नथिंग आई वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट द वे दैट आई लुक और एनीथिंग सो इट वॉज अ वेरी रियल कैरेक्टर फॉर मी टू प्ले आई थिंक दैट्स व्हाट आई लर्न टू जस्ट बी इन द मोमेंट इन टू डू जस्टिस टू दैट कैरेक्टर क्योंकि वो इन द फिल्म इज अ पर्सन इज अ रियल पर्सन सो आई हैव टू डू जस्टिस टू दैट रियल पर्सन मुझे लगता है कि जैसे मैंने ये लिखना शुरू किया है मैं एज एन एक्टर भी इम्प्रूव हुई हूँ एंड जो मैं एक्टिंग करती हूँ उससे मेरी राइटिंग की पर्सपेक्टिव भी इम्प्रूव होती है तो आई फील लाइक दोनों साइड में इट हैज़ हेल्प मी टू इम्प्रूव ओवरऑल एज अ स्टोरी टेलर तो इस पर आई वर्कड एज एन एसोसिएट डायरेक्टर सो आई वॉज देयर फ्रॉम डे वन टू द एंड तो आई फील लाइक ओवरऑल एक एज अ राइटर जब आप सीन क्राफ्ट करते हो तो उसको कैसे वो मोमेंट बनाया है मैंने या क्यों बनाया है वो सब समझने को और वो एक पर्सपेक्टिव of a writer samajhne mein meri matlab it really helped me and because of that I think I've become a better actor as well right. yeah. so in future kya as an actor aage badhne wale hain ya fir as a script writer or director so what will be next for you I want to do see I'm somebody who believes that I should follow my instincts to jo matlab andar se gut feeling aati hai usko follow karo अभी मैं लिख रही हूँ एक स्क्रिप्ट बट आई एम ऑल्सो एन एक्टर तो मैं अभी एक बिजॉइन अम्बियार की ताइश फिल्म में एक इंटरेस्टिंग स्पेशल अपीयरेंस रोल कर रही हूँ तो जो भी मुझे इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं
बी इट इन एक्टिंग या फिर अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशनल आइडियाज आ रहे हैं एज अ राइटर तो आई विल जस्ट डू दैट. व्हाई व्हाई स्टॉप इट वन थिंग? व्हाई डू आई हैव टू ओनली डू वन थिंग? एज अ एक्टर कौन इंस्पायर करता है आपको? सो मैनी एक्चुअली. मोर देन एक एक्टर को फॉलो करना या एक एक्टर को आइडलाइज करना, आई लुक एट परफॉर्मेंसेस. मतलब इस पर्सन का इस फिल्म में परफॉर्मेंस वॉज माइंड ब्लोइंग बिकॉज एंड देन आई ट्राई टू सॉर्ट ऑफ फिगर आउट मे बी वॉट डिड दे डू और हाउ डिड दे गेट इन टू कैरेक्टर ऑफ दैट. इफ यू टॉक अबाउट मेलिसा, सो मेलिसा डायरेक्टर्स एक्टर है या फिर? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने खुद ने एक फिल्म लिखी भी है, डायरेक्ट भी किया है. सो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट, आर यू अ डायरेक्टर्स एक्टर? Yeah, yes and no. Because I think most directors today, ek to they want you to be real and they want you to do justice to the character, na? So they'll give you the space to be spontaneous, to be natural. But I'm also an actor. I think that that adapts to situations well. So yeah, I am. So how much are you excited to work with Bijoy? Oh, very excited. We've already shot the first schedule. It was an amazing experience. He's a very fun person. His creative talents are amazing. So it was really interesting. Any of your upcoming project beside that? Like I said, I'm currently writing a script which I'm working on. And recently as a hobby, not a hobby, I just had this moment of inspiration where... actually, I was kind of reminded of my childhood. And so then I started writing this poem which turned into a song. So I just I recorded it recently and I've just put it up on YouTube, but that's just like a hobby thing which I did. It was your first film, right? Yeah. And it has gone into international festivals and even Mami. So how was the response of the audience? Because the visual speaks a lot than words, I think. The visuals are so captivating. I think that has been the most beautiful part for me. The fact that people have responded so well, the messages I receive, the things that people are telling me, it's so amazing because everyone says that each and every actor has performed amazingly, and I think it's all thanks to Geetu ma'am and her direction and her sense of sensitivity towards emotion. Any of your dream director you want to work in future? So many. I want to work with so many directors because I think आप जितने मतलब different type of लोगों के साथ work करोगे आप खुद बहुत grow करोगे. तो there are so many directors I want to work with everyone who's like, and also आजकल बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं who have such interesting storytelling ideas and approaches. तो I'm open to anything. So lastly, any of your dream actor? Because new actors are doing well, like Aishwarya Khurana, Nawazuddin. Yes, so I want to tell you guys a story. The thing is, I won this Navy Queen pageant in Kochi. This is like right after my 12th standard. And wo pageant pe, the person who had come to sort of anchor the show was Ayushman Khurana. And that's the first time I met him. So definitely I want to work with him again. And I want to tell him, do you remember like when you announced that, okay, I won Navy Queen and all of that? That would be fun. I also want to work with Vicky Kaushal. I think he's amazing, brilliant. I mean, obviously all the big stars, I would love to work with them. Shah Rukh sir, Salman sir, Aamir sir. So if you talk about this particular film, Anurag Kashyap has co-producer of the film. Yeah. So have you interacted with yes, him? Of course. The fact that I got to work with Anurag sir on my very first film, is such a big blessing. He's such a wonderful human being and he really encourages talent. So jab mere ko pehle idea aaya ki I want to start writing and these ideas were coming, you know, I had spoken to him and he said that yeah right, and he's very encouraging that way. I remember showing my first draft to him and he said that this is you know, you've written it like a story, you have to make it a script. So that was how I learned how to stop writing like a novel and make it a screenplay, because I have to explain what the scenes are supposed to do. Yeah. So, there were talks of some things, but at the moment, no, nothing. Nothing. Okay. Thank you so much for all this. Thank you so much. मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.